दोस्तों इन्फिनिक्स तैयारी कर रहे एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं कौन सा फोन है, कैसा फोन होने वाला और दोस्तों क्या कुछ इनका प्राइस होने वाला और दोस्तों ये बजट फोन में आने वाला और दोस्तों क्या कुछ इसका एस्पेक्ट होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सा फोन लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों ये इन्फिनिक्स ने डायरेक्टली बताया गया है, किया गया है, जिसमें कि आपको बताया गया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को लॉन्च करने वाला है। तो चलिए इसके एस्पेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ प्राइस होने वाला है, कब तक ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो करते स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप, तो वैसा का तो आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे कुमार पंकज टैग। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का एस्पेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, उनके बाद जानेंगे क्या कुछ प्राइस होने वाला और कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इसका फ्रंट साइड कैमरा की बात करें, सेल्फी कैमरा जो होने वाला है वो वाटर ड्रॉप स्टाइल के साथ आने वाला है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला जो कि सेल्फी के लिए यूज होगा। और दोस्तों आगे बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में प्राइमरी कैमरा की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलने वाला। और दोस्तों सेकंड कैमरा की बात करें तो AI लेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ चिप यूज किया जाएगा, जिसका कि कोई यूज नहीं होने वाला है। और दोस्तों आगे बात करें इसका बैटरी डिपार्टमेंट, बैटरी आपको 6000 mAh का मिलने वाला है, जिसमें आपको टाइप सी पोर्ट के साथ मिलने वाला है 10W का सुपर फास्ट चार्जर। और दोस्तों इसमें बात करें प्रोसेसर की, देखिए प्रोसेसर कंफर्म तो नहीं हुआ लेकिन कुछ लीक्स निकल के आ रहा है कि इसमें जो MediaTek का प्रोसेसर यूज किया जाएगा हेलियो A22 का। तो दोस्तों अब देखते हैं जब भी लॉन्च होगा तो भी आपको पता चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी लीक्स सिर्फ निकल के आया हुआ है कि ये प्रोसेसर यूज किया जाएगा। और दोस्तों इसमें आगे बात बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। और दोस्तों इतने बजट फोन में बैक साइड फिंगरप्रिंट और दोस्तों फिंगरप्रिंट बहुत कम फोन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है इतना बजट फोन में। और दोस्तों आगे बात करें तो इसमें आपको डबल सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा और दोस्तों 3.5mm जैक भी मिल जाएगा, प्लस आपको जो है आपको इसमें SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं, एक ही स्लॉट में आपको तीनों जगह मिल जाएगा। और दोस्तों ये फोन जो है एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों सब कुछ तो ठीक है लेकिन दोस्तों एंड्रॉइड 13 अगर दे देता तो अच्छा रहता, लेकिन दोस्तों ये इतना कम दाम का फोन है तो चलिए क्या बात करना है। और दोस्तों अब बात छोड़िए और दोस्तों अब जान लेते हैं इनका प्राइस क्या कुछ होने वाला है। जैसे कि हम जान पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैनर में लिक्स निकल के आ रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 1 वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों जिसमें कि 4GB 64GB का होने वाला है। और दोस्तों इसका प्राइस की बात करें अंडर 7500 यानी कि 7500 रुपया का ये आने वाला है, यानी कि इसके अंदर ही आने वाला है। तो दोस्तों इसका मान के चल सकते हैं कि आपको 6999 तक में आपको आ जाएगा ये फोन। और दोस्तों इसमें आपको और भी कुछ जानकारी की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये था फोन की पूरी कहानी। और दोस्तों अब बात कर लिए फोन कब तक लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों इंडियन मार्केट की बात करें तो लीक्स निकल के आ चुका है, बैनर में भी आप देख पा रहे हैं कि 22 फरवरी को आपको देखने के लिए मिलने वाला है इंडियन मार्केट में। और दोस्तों 22 फरवरी से ही सेल भी स्टार्ट हो जाएगा इस फोन को। तो दोस्तों जैसे ही फोन आ जाते उसके बाद अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।